ईडी ने वकील रोहित टंडन को गिरफ्तार किया। पारस मलोड़ा और कोटक महिंद्रा बैंक का मैनेजर आशीष कुमार पहले से गिरफ्तार। रोहित टंडन पर पारस मलोड़ा की मदद से 70 करोड़ के काले धन को सफेद करने का आरोप। दिल्ली में गिरफ्तार कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर आशीष कुमार को ईडी ने 2 जनवरी तक के लिए कस्टडी में लिया। फर्जी नामों पर 38 करोड़ के डीडी बनवाए थे। 500 और 1000 के पुराने नोट रखने पर सजा हो सकती है। कैबिनेट ने अध्यादेश पास किया। 31 मार्च के बाद 10,000 से ज्यादा के पुराने नोट रखने पर 4 साल की सजा हो सकती है। जुर्माने का भी प्रावधान। यूपी में समाजवादी पार्टी के भीतर चुनाव टिकटों को लेकर तनातनी। सीएम अखिलेश ने 11 बजे मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुलाई। अखिलेश ने राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सुरभि शुक्ला उनके पति को निर्माण निगम के एडवाइजर पद से बर्खास्त कर दिया। दोनों ही शिवपाल के करीबी हैं। 325 की पहली लिस्ट में एसपी ने 176 विधायकों को दोबारा से टिकट दिया। सिटिंग एमएलए 49 सीटों पर नहीं है पार्टी के विधायक। अब से 78 नाम बाकी। टिकटों को लेकर मुलायम पर किसी भी विवाद से इनकार। कहा यूपी जीते तो दिल्ली भी जीतेंगे। शिवपाल यादव ने कहा टिकट बंटवारे में सीएम अखिलेश समेत सबकी राय ली गई, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। मुलायम ने दिए यूपी में अकेले चुनाव लड़ने के संकेत। कांग्रेस ने भी कहा किसी से गठबंधन नहीं करेगी। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बताया कमजोर। कहा इसीलिए गठबंधन की कर रहे थे कोशिश। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। रिहायशी इलाके में एक मकान में छिपे आतंकी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। अन्नाद्रमुक का प्रमुख चुनने के लिए आज चेन्नई में अहम बैठक। शशिकला नटराजन को महासचिव चुनने का हो सकता आधिकारिक ऐलान। अन्नाद्रमुक महासचिव के लिए चुनाव के आसार ना के बराबर। शशिकला नटराजन के खिलाफ अभी तक किसी ने चुनाव पर्चा नहीं। चेन्नई में एआईएडीएमके के ऑफिस के बाहर शशिकला पुष्पा के वकील पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। मुख्यालय में पत्र जमा करने के लिए शशिकला के वकील पहुंचे थे। गुजरात ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे आज। 27 सितंबर को मतदान में कुल 80% वोटिंग हुई थी। ओलंपिक एसोसिएशन का लाइफ टाइम अध्यक्ष बनने से सुरेश कलमाणी का इनकार। आईओए से खेल मंत्री के जवाब के बाद यूटर्न लिया, खुद ही पीछे हट गए। कलमाणी की तरह अभय चौटाला पर आईओए के पद से पीछे हटने का दबाव, लेकिन बोले मुझ पर नहीं है कोई भी क्रिमिनल केस। दिल्ली के उपराज्यपाल बने अनिल बैजल। राष्ट्रपति ने नियुक्ति को मंजूरी दे दी। 30 दिसंबर को शपथ लेंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह का चुनाव आयोग से गुहार। चुनाव में अवैध हथियारों पर बैन लगे। प्रकाश सिंह बादल ने कहा शिकायत झूठी। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का आप पर झूठ बोलने का आरोप। आप नेताओं ने आरोप लगाया था कि बादल सरकार रैलियों के लिए परमिशन नहीं दे रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल अर्जी पर दिल्ली सरकार से कल तक जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। कल हार्ट अटैक से निधन हुआ था। पटवा को भोपाल पहुंचकर मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी। अंत्येष्टि में आज शामिल होंगे आडवाणी, वेंकैया नायडू समेत बीजेपी के कई बड़े नेता। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले मुस्लिमों को त्योहार के दिन छुट्टी मंजूर करने का फरमान जारी कर दिया। सभी महकमों को ये आदेश जारी किया गया। मुंबई में अंबरनाथ सीएसटी लोकल के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। विट्ठलवाड़ी के पास सुबह 6 बजे डीरेल हुई। कोई घायल नहीं, लेकिन यातायात पर असर पड़ा। 11 जनवरी को दिल्ली में होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य और सांसद शामिल होंगे। झारखंड का 17 जनवरी से 7 फरवरी तक बजट सत्र होगा। 23 जनवरी को बजट पेश। तेलंगाना के रामचंद्रपुरम में 40 किलो सोने की लूट पर जारी किए गए 4 आरोपियों के स्कैच। सीबीआई के फर्जी अफसर बनकर पहुंचे थे, बंधक बनाया था सभी को। वाराणसी में आज से शुरू होगा विश्व भोजपुरी सम्मेलन। मॉरिशस के प्रधानमंत्री अरविंद जगन्नाथ भी होंगे शामिल। अमिताभ बच्चन, मनोज तिवारी, अखिलेश यादव समेत 25 लोगों को दिया जाएगा भोजपुरी रत्न सम्मान। अलगाववादी मसरत आलम होगा रिहा। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने आदेश दिया मसरत पर लगे पब्लिक सेफ्टी एक्ट को खारिज किया गया। मसरत आलम की रिहाई पर डिफेंस एक्सपर्ट ने उठाए सवाल। राहुल जुलाली ने कहा आग में घी डालने का काम क्यों किया जा रहा है रिहा। जैसलमेर में सेना ने एक संदिग्ध को पकड़ा। आर्मी कैंट की वीडियोग्राफी कर रहा था, मेरठ का रहने वाला है अली खान। यूपी के शामली में किराना व्यापारी को गोली मारकर बदमाश फरार हुए, गंभीर हालत में मेरठ रेफर। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश जारी। जयपुर में 13 साल के लड़के की हत्या में बड़ा खुलासा। कत्ल के आरोप में पड़ोस का ही लड़का गिरफ्तार। होमोसेक्सुअल रिलेशन के लिए दबाव बना रहा था। पश्चिम दिल्ली के नांगरोई में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मरम्मत की वजह से आज शाम 4 बजे तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। दिल्ली को जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क में सुधार के लिए मिलेंगे 266 करोड़ रुपए। अमृत स्कीम के तहत निवेश को केंद्र ने मंजूरी दे दी। नए साल पर चकमा देने के लिए ड्रग कोर्ट को मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है। खानपुर रेल रूट पर आज से हालात सामान्य होने की उम्मीद। कल सियालदह एक्सप्रेस हादसे के बाद 20 ट्रेनें रद्द हुई थी। 58 के रूट बदले गए थे। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम में मंच पर भड़के कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया। बीजेपी नेताओं से हुई तीखी नोकझोंक। बागपत में समाजवादी पार्टी की प्रचार रथ यात्रा के दौरान बुधवार को कई घंटे तक जाम लगा। नेताओं ने जमकर हूटर और डीजे बजाया।
एनआरएचएम घोटाले की जांच में आई तेजी, सीबीआई ने बदायूं के तत्कालीन सीएमओ समेत तीन के खिलाफ एफआईआर की दर्ज। पंजाब के सिरसा के सिख युवक की न्यूजीलैंड में हत्या, मृतक के परिवार ने विदेश मंत्रालय से हरदीप के शव को भारत लाने की गुहार लगाई। छत्तीसगढ़ में धान खरीद केंद्रों पर अवैध वसूली से किसान परेशान हैं, हर बोरे पर वसूले जा रहे 2 से 5 रुपए, किसानों ने आला अधिकारियों से शिकायत की। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कैशलेस के फायदे समझाने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की। गया में कालचक्र पूजा के लिए पहुंचे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, इससे पहले पटना के बुद्ध पार्क में नीतीश कुमार के साथ की विशेष पूजा। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले रतन टाटा, चैरिटी कार्य के सिलसिले में गए थे नागपुर। 350वें प्रकाश उत्सव के लिए पटना सिटी पूरी तरह से तैयार, लेजर लाइट्स और साथ ही ऑडियो सिस्टम से गुरु महाराज की दिखाई जा रही है शौर्य कथा। जयपुर के सीकर रोड पर चलती कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले कार जलकर खाक, कार में बैठे सभी लोग सुरक्षित। गुरुग्राम के सेक्टर 55 में अवैध तौर से चलाए जा रहे नशा मुक्ति सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग का छापा, दर्जनों युवकों को छुड़ाया गया। रायपुर से अगवा 12 साल का मासूम किडनैपर्स के चंगुल से निकलकर थाने पहुंचा, घर के पास से अज्ञात लोगों ने अगवा किया था। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में छेड़खानी से परेशान नाबालिग लड़की ने खुदकुशी कर ली, पुलिस पर आरोप, शिकायत के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बेरोजगारी से परेशान एक शख्स ने 2 साल के मासूम बेटे की हत्या के बाद खुद को फांसी लगा ली। कानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी को गोली मारी, व्यापारी अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के ठाणे के उल्लासनगर में घर की नौकरानी से गैंगरेप, आरोप 4 वकीलों पर, वीडियो भी बनाया था चारों ने, 1 गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में बैंक की लाइन में खड़े एक बुजुर्ग की मौत, लोगों ने सड़क जाम की। फरीदकोट में पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे 8 लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में, पुलिस ने 2 पिस्टल समेत कई धारदार हथियार भी बरामद कर लिए। गुरदासपुर में नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत, कपड़े फाड़कर फोटो खींचने के मामले में केस दर्ज, 3 लड़कों ने अकेला पाकर लड़की से गलत हरकत की थी। बलिया में बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट की, सिगरेट पीने से रोका तो हंगामा किया। बेंगलुरु में रविराज नाम के एक बैंक कर्मचारी ने खुदकुशी कर ली, घर में शव मिला, आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं। चंदौली में चोरों के हौसले बुलंद हुए, एएसपी के घर से चोरों ने 17 लाख के जेवरात उड़ा लिए, पुलिस ने केस दर्ज किया। गाजियाबाद में गरीबी और बेरोजगारी से परेशान शख्स ने खुद को फांसी लगा ली, बच्चों का भी स्कूल से नाम कट चुका था। वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न को लेकर कार्मिक मामलों के मंत्रालय का नया नियम, शिकायत पर महीने के भीतर करनी होगी सुनवाई, 90 दिन में निपटारा करना होगा। धनबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़े 2 घूसखोर कर्मचारी, गिरिडीह में 10,000 की रिश्वत लेते क्लर्क भी गिरफ्तार। बिहार के छपरा में तेज रफ्तार ट्रक ने होमगार्ड के 2 जवानों को कुचला, दोनों की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क पर हंगामा किया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कुएं में गिरकर एक हाथी की मौत, खुद हाथियों का झुंड करता रहा बाहर निकालने की कोशिश, फॉरेस्ट टीम ने 8 घंटे बाद निकाला। चाइनीज अंडे को लेकर केंद्र के अलर्ट के बाद छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को चेतावनी, घातक केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है चाइनीज अंडा। आईपीओ के लिए एनएससी के सेबी में दाखिल किया गया ड्राफ्ट पेपर, 20 से 25% बेची जाएगी हिस्सेदारी, 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। नए साल में महंगा हो सकता है दूध और बाकी के डेयरी प्रोडक्ट्स, अमूल और मदर डेयरी 5 से 10% तक दाम बढ़ा सकते हैं। कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम मिनिस्ट्री की पहल, उपभोक्ताओं से जानकारी लेने के लिए 6 राज्यों के लिए शुरू किया गया फीडबैक नंबर 1955। इसराइल फिलिस्तीनी के बीच शांति बहाल करना आसान नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा आतंकवाद बन रहा है अड़ंगा। स्पेन में इस्लामी आतंकी संगठन का प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में 2 और लोग गिरफ्तार, चार्ली हेब्दो पर हमले के बाद से अब तक 177 की गिरफ्तारी। नए साल के जश्न को लेकर रूस अलर्ट पर, मॉस्को में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बर्लिन अटैक को देखते हुए चौकसी। रशियन प्लेन क्रैश के पीछे प्लेन के विंग फ्लैप की खराबी हो सकती है वजह, ब्लैक सी में प्लेन के टुकड़ों की तलाश का काम अब भी जारी। इटली कोस्ट गार्ड ने जारी किया समंदर से शरणार्थियों के रेस्क्यू का एक वीडियो, 12 महिलाओं और बच्चों समेत 48 लोगों की बचाई जान। ब्रिटेन में घने कोहरे की वजह से टकराई 20 कारें, 1 महिला की मौत, 15 घायल, ऑक्सफोर्डशायर के हाईवे पर हुआ हादसा। पश्चिमी बोलीविया में भारी बारिश को देखते हुए 4 इलाकों में ऑरेंज अलर्ट, पानी में फंसी सैकड़ों गाड़ियां, बाढ़ से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में झुग्गियों में आग लगने से हजारों लोग बेघर हुए, 1 महिला की मौत, 3 घायल, गैस लीक होने की वजह से आग लगी। पेरू में एक बस के 300 मीटर गहरी खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत, मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा करना चाहते हैं यूएन के महासचिव बान की मून, इंटरव्यू में इच्छा जाहिर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाका, धमाके में अफगानिस्तान के सांसद समेत कई लोग घायल हुए। उत्तरी अमेरिका में मौसम का कहर, बर्फबारी से 0 से नीचे पारा गिरा, पहाड़ बर्फ से ढक गए। 10 दिन और 20 घंटे में
6000 किलोमीटर का सफर, ट्रैफिक रूल्स पर नासिक के डॉक्टर महाजन भाइयों ने साइकिल यात्रा को खत्म किया। कश्मीर की युवा पीढ़ी के लिए मिसाल बनना चाहती हैं अंदलीप जहरा, मैरीकॉम की तरह बॉक्सिंग में कमाना चाहती है नाम, साथ में मेडिकल की भी पढ़ाई कर रही है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले रांची के देवरी माता के मंदिर पहुंचे धोनी, पूजा अर्चना के साथ सीरीज में जीत का आशीर्वाद भी लिया। क्रिकेट पर बन रही फिल्म चेन्नई 28 के तीसरे सीक्वल का हिस्सा बनेंगे आर अश्विन, फिल्म तमिल भाषा में बनेगी। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर ड्रैंड्रा डॉटन ऑस्ट्रेलिया में घरेलू लीग मैच के दौरान घायल, सिर में चोट लगी और गाल की हड्डी भी टूटी, सर्जरी करनी पड़ी। बिग बैश लीग में काले रंग के क्रिकेट बैट से खेलने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आंद्रे रसेल को हरी झंडी दी, पिछले हफ्ते इनकार किया था। बांग्लादेश के विकेट कीपर और बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम घायल, मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज से बाहर।